subscribe our channel for latest updates. लुधियाने के आतम नगर तो विधायक ते लोक इंसाफ पार्टी के मुखी सिमरनजीत सिंह बैंस ने गुरु अंगद देव वैटनरी यूनिवर्सिटी एंड एनिमल साइंस स्टाफ ते फाजिलका दे एक किसान नू कथित तौर ते एक्सपायरी फीड पशुआ नू देण दा दोष लगाया, जिसके चलते उन्हां दा एक सांड घोड़ा ते एक गर्भवती घोड़ी मर गई है। बैंस द्वारा किसान नू लैके गढ़वासू दे उप कुलपति डॉक्टर ए एस नंदा दे नाल भी मुलाकात की गई, जिन्हां ने मामले विच जांच करवाण ते दोषी पाए जाण ते यूनिवर्सिटी दे अधिकारियां ते सख्त कार्रवाई करन दा भरोसा दित्ता है। ए दवाई मैं मैनूं कहिंदा तैनूं फोन करके दस्सांगा वी तूं किद्दां शुरू करनी है, वी जदों टीके तैयार करने उदों ही पाउणी। मैं ठीक है, मैं एक दो बारी उन्होंने हरपाल नूं फोन किया, मैं तो कोशिश की भी बाहर की चीज वधी आई, वह मैंने कहता रुक जा हजे नहीं, जो तुम दसांगा उदों पाउणा। फिर मैं जिदन मैं उन्होंने कहता, मैंने कहता तू चल थोड़ा थोड़ा पा लिया कर। मैं एक मुठ्ठी घोड़े नूं पाया, एक मुठ्ठी सांड नूं पाया, घोड़े ने कुछ ती खाधा ना, समैल आ गई। मैं वह दो तीन घंटे बाद चाके तो दाणा में चाहिए घोड़िया नूं पाता जी। घोड़ी एक तो जी घोड़े की मां सी, वह तो खांद ही पांच मिनटा बाद मसा लगे आने गई, पांच मिनटा बाद बह गई, बहन तो बाद एक बार चीज निकली मर गई। उस तो बाद जी विशेरी सी, विशेरी नू एक बार तसी पसीना जा गया, जब साढ़े मेरे दिमाग ची ना भी ये काम हो गया होना। वो जो अं देखे फिर डॉक्टर साहब पुछा, कहते बुखार बुखूर कई बार सर्दी है, तुम टीका ला दो। टीका लाया मैं, हां जी हां जी हां जी, वह भी मर गई। हां जी, उस तो बाद सांड भी ढिला पै गया जी। फिर मैं इलाज शुरू कराया, पांच छह दिन इलाज कराया, वह भी हर के मर गया। नुकसान होया टोटल मेरे हिसाब आंदा तो वैसे जे तो नुकसान वेखी फिर मेरे घर जी घोड़ी मरी उनका बच्चा हटा मैं करोड़ रुपया उनका लगा है। मैं जे अज झूठ नहीं बोलता, जो मर्जी इनकुआरी हो जाए मैं झूठा पाया जावा तो मैं सजा भुगतांगा जी। अठारह उन्नीस लाख रुपए का नुकसान हो गया जी मेरा। मैं तो जिमें मेरा मसला हल हो जाए जी, मैं जो भी मैं समझ तो बहार है जी की मैं मुआवजा चाहते हो मिलना मुआवजा मिल जाए तो बहुत वधिया जी। मैं आपका चलो मैं कोई होर सामान भी लिया, मेरा घर खाली हो गया जी सारा। ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਲਿੱਤਾ ਸੀ ਹਲੇ? ਅਨਲਿਮਿਟ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਜੀ ਮੇਰੀ। ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਏ ਜੀ ਤੁਸੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਚੈੱਕ ਮੈਂ ਤਾਂ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇਣਾ ਜੀ ਅਜੇ। ਚੈੱਕ ਦਿੱਤਾ ਕਣਕ ਵੱਢ ਕੇ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਬੰਦੇ ਲਿਆਜ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਕੀ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਫਿਰ ਦੇ ਦੇ, ਚੈੱਕ ਦੇ ਦੇ। ਕਿਤਨਾ ਬੜਾ ਗੜਵਾਸੂ ਐਂਡ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜੋ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਮੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੇ ਫਾਰਮਰਸ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕੇ ਲਿਏ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। तो अगर इतनी बड़ी फेमस यूनिवर्सिटी में ऐसा घटिया काम हो जाए, एक्सपायरी फीड दी जाए और जो प्रोडक्ट नॉर्म्स परमिट नहीं करते उनको बेचने के लिए तो वो बेचे जाएं, तो ये फार्मर्स जाएंगे कहां पे? तो हम इसलिए आज बीसी साहब के पास आए कि जिन लोगों ने ये लाकानूनी किया, जिन लोगों ने ये निजम तोड़ा है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, एफआईआर दर्ज करवाई जाए, उनको सजा मिले। और जो ये गरीब फार्मर का 20-22 लाख रुपए का नुकसान हो उसकी भरपाई के लिए, क्योंकि गुड़वासू का अपना बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, तो हमने ये भी अपील किया कि इनको कंपनसेशन मुआवजा तुरंत दिया जाए, ताकि जो ये गरीब किसान है तो गरीब किसान के ऊपर पहले कर्जे की बहुत बड़ी बोझ है, बहुत बड़ा इनके ऊपर एक कर्जे का भार है, तो ये गरीब किसान कोई नेगेटिव थिंकिंग ना मन में लेके आए। असि रोज चंगा ना कमाउन लई जिमीदारां दी सेवा करन लई इन्ने लोकां दी इत्थे सेवा करदे आं, घर भी जांदे आं। आउटराइटली गड़वासू ने बहुत चंगा ना कमाया, ते जे कोई साडा स्टाफ इस तरह दी कोई हरकत करदा आ ते असीं बिल्कुल उन्नू बख्शांगे नहीं। ए तुसीं दस्सो वी जिहड़ी चीज़ है की चीज़ है? ए जिहड़ी चीज़ है ना, ए मोनेंसिन कैमिकल आ। ए कैमिकल नॉर्मली पोल्ट्री नू कोक्सीडियोसिस दी बीमारी तो रोकने लई बहुत घट मात्रा च पाया जाता है। ते पर इहदे ते रिसर्च ए भी चल रही कि जे मोनेंसिन नू असीं वड्डे जानवरां दे विच पाईए बहुत स्पेसिफाइड मात्रा दे विच ते उहदे नाल उहनां दी परफॉर्मेंस वधदी, क्योंकि उह मीथेन बननी घट हो जाती है बॉडी च, एनवायरमेंट दी पोल्यूशन घटदी है और उहनां दी ग्रोथ वधदी है और उहनां दी दुध दी जां जिहड़ी भी परफॉर्मेंस लैणी जिवें इहनां ने सीमन दी लैणी है उह वधदी है। पर इह सानूं नहीं पता, इसे करके इहो ही ते मसला हैगा कि इहनां ने कित्थों लई है, ਲਈ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਜਦ ਤੱਕ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਇੰਪਲਾਈ ਕੋਲੋਂ ਇੱਥੋਂ ਗਈ ਹੈ
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਔਰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਾ ਕੇ ਬਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਅਨੁਪਮ ਹਿੰਦਰੂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼।